Hello students, this is Meenu, your GK teacher. Welcome to 7th class. This is your new GK book. Please see and purchase your books as early as possible. So today I'll explain you exercise number 1, The Mysterious Universe. Mysterious Universe. What is the name? Mysterious Universe. Mysterious Universe means हमारा जो ये universe है, पूरा ब्रह्मांड है, वो कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. Dash is name after the Roman god of farming. It is second largest planet after Jupiter. तो ये कौन सा है? Quasars. Quasars ये जो है रोमन गॉड के नाम पर है इसका नाम, और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर के बाद. सेकंड है हमारा ओरिसा रास इज फर्स्ट प्लेनेट. ये फर्स्ट प्लेनेट है जो कि डिस्कवर किया गया था, जो कि खोजा गया था एक टेलीस्कोप के द्वारा. डैश मरकरी कौन सा है? मरकरी जो कि सन के बिल्कुल क्लोज है, और ये भी एक रोमन गॉड, रोम का, रोम देश है एक, उस गॉड, उनके गॉड पर इनका नाम रखा गया. अर्थ जिसमें कि आप जानते हैं, जहां हम सब रहते हैं आप जानते ही हैं, अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहां पर एटमॉस्फेयर है, वाटर है, और ये प्लेनेट में ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि जीवन संभव है. और ये इसका एक उपग्रह भी है. डैश इज द हॉटेस्ट प्लेनेट. सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वीनस. ये भी रोमन गॉडेस जो कि प्यार और सुंदरता की देवी है, उनके नाम पर रखा गया इसका नाम. डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड ए प्लेनेट. इट वॉज डीमोटेड फ्रॉम पोजिशन बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. तो एक ऐसा प्लेनेट है जो पहले माना जाता था, मगर अब उसे नहीं माना जाता. वो प्लूटो जो है अब नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है. नेक्स्ट है नेपट्यून. नेपट्यून जो है वो रोमन गॉड ऑफ सी, समुद्र से रिलेटेड रोमन गॉड है, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है प्लेनेट का. उसके बाद आता है डैश इज कॉल्ड रेड प्लेनेट. अब रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? जो ये भी एक रोमन गॉड है, जो वार मतलब युद्ध का, युद्ध से संबंधित रोमन एक गॉड है, उनके नाम पर ये नाम रखा गया इस प्लेनेट का. इसे कहा जाता है रेड प्लेनेट. कौन सा है वो? मार्स. कौन सा है वो? मार्स. डैश इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो है जुपिटर. कौन सा है वो? जुपिटर. हमारे जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है माना जाता है, वो कौन सा है? वो जुपिटर है. तो ये आपने अपनी यूनिवर्स और अपने प्लेनेट्स के बारे में पढ़ा. तो बच्चे ये जो आपकी, आपको बुक्स परचेज करनी है, और ये सब आपने आज की डेट में बुक में ही फिल करना है. थैंक यू.